हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीजगणित के इन महत्वपूर्ण सूत्रों को याद करने का एक अलग ही मेथड सीखने वाले हैं। इस मेथड में आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं होती है, बल्कि आप इस फॉर्मूला को आसानी से खुद से बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं फॉर्मूलाज को। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आने की हमें पता करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे पता करेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर का मतलब है कि इसे दो बार आपस में गुना किया जा रहा है। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो गुना करना है। तो देखिए ए को पहले ए से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर, फिर ए को इस बी से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा ए इंटू बी, फिर बी को ए से गुना करेंगे तो फिर वही रिजल्ट ए इंटू बी, बी को बी से गुना करेंगे तो यहाँ देखिए बी प्लस में बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए स्क्वायर अलग पद है, फिर ए बी प्लस ए बी यानी टू ए बी हो जाएगा जुड़ के, फिर या बी स्क्वायर जो बचा हुआ पद है उसे लिख देंगे। इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इस तरह के फॉर्मूला को बनाने का। तो चलिए इसे इसका रिजल्ट लिखते हैं। इसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता करना है, तो हम इसी मेथड से इसे पता कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है हम आसानी से लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी सिर्फ यहाँ माइनस और प्लस का फर्क है। देखिए यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब हम लोग इस फॉर्मूले को देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो इसके बराबर है इस पार्ट को, और प्लस में करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस पार्ट को जोड़ना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो हम यहाँ ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं, चलिए जोड़ते हैं इसे। देखिए पहले इस पार्ट को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें इसमें इस पार्ट को जोड़ना है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे और इस टोटल पार्ट को कोष्टक के अंदर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इस पार्ट को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन अगर इसे बाहर निकालना चाहें, इस कोष्टक के बाहर निकालना चाहें, तो देखिए यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है इसके बाहर, तो ये स्क्वायर पहले से पॉजिटिव है तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस टू ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर कुछ यहाँ कटता है तो उसे काटिए ढूंढिए। यहाँ देखिए प्लस टू ए बी प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो टू ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो हमें टू ए स्क्वायर मिलेगा, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे प्लस टू बी स्क्वायर मिलेगा। अगर यहाँ दो को कॉमन ले लें तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को यहाँ इसके सामने इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए बराबर में टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्मूले को लिखना है, तो हमें देखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमें देख चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर है, इसे यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इसमें माइनस करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इस पार्ट को माइनस करना है, तो माइनस का साइन देंगे फिर कोष्टक देंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर करना है यहाँ इसके साथ प्लस बी का स्क्वायर इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान दीजिए इस पार्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अगर इस पार्ट को हम बाहर निकालना चाहें कोष्टक से तो देखिए यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो अगर यहाँ ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस और माइनस गुना होकर प्लस टू ए बी हो जाएगा जो बाहर निकलेगा, तो प्लस टू ए बी, फिर देखिए बी स्क्वायर को अगर बाहर निकालते हैं तो प्लस से माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा तो उसे काटिए, यहाँ ए स्क्वायर प्लस में है या माइनस में है तो दोनों कट जाएंगे, बी स्क्वायर प्लस में है या माइनस में है दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ प्लस टू ए बी बचेगा, दोनों जुड़ के हो जाएगा फोर ए बी, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर फोर ए बी। अब हम लोग इस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को देखेंगे, इसमें साधारणता हमें एक दूसरे के साथ गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। तो हमें गुना करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पहले ए से इस ए को गुना करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर ए से इस बी को गुना करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी हो जाएगा,
फिर बी को ए से गुना करेंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, बी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस ए बी प्लस ए बी है, दोनों कट के कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखना है, तो इसे अलग तरीके से देखेंगे। देखिए इस फॉर्मूले को सिद्ध करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी सहायता से इस फॉर्मूले को लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे हमें पता करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम अगर इस ए प्लस बी को ए मान लें और इस सी को बी मान लें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर का क्या वैल्यू है, ए प्लस बी, क्योंकि ए बराबर हम मान चुके हैं ए प्लस बी, तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर टू ए बी लिखना है, यानी कि प्लस में टू ए बी, ए बी क्या है ए प्लस बी, फिर बी भी लिखना है इसके साथ जो गुने में है, तो यहाँ ए प्लस बी के साथ गुना हम लोग सी करेंगे, टोटल के साथ सी गुना करेंगे। इसके बाद हमें फिर से इस प्लस बी स्क्वायर करना है, तो देखिए अगर बी स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी का जो वैल्यू है वो सिंपली लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू सी है तो यहाँ सी का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस पार्ट को इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए प्लस देंगे टू ए बी प्लस इंटू सी है, यानी कि टू ए सी प्लस टू बी सी हो जाएगा, फिर यहाँ सी स्क्वायर करना है। हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, टू ए बी टू ए सी टू बी सी तीनों में दो कॉमन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर को लिख देंगे स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे प्लस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर कर देंगे इस पार्ट को सी स्क्वायर, और यहाँ इन तीनों में दो कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। तो हम लोग लिख देंगे इस फॉर्मूले के मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस बी सी इंटू सी ए। तो अब हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि पावर में तीन। तो देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुना ए प्लस बी, इसका पावर कुछ नहीं तो एक होता है, दोनों गुना होकर प्लस में तीन पावर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को लिखते हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसको जानते हैं ए प्लस बी हो जाएगा इनटू में ए प्लस बी, यानी कि इस पार्ट को इस पार्ट के साथ गुना करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले इस ए स्क्वायर को इस ए के साथ गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, पावर तीन हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर को इस बी के साथ गुना करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर को इस ए के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को बी के साथ गुना करेंगे तो प्लस बी का पावर तीन हो जाएगा। अब इस टू ए बी को इस ए के साथ गुना करना है तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर इंटू बी, फिर इस प्लस टू ए बी को गुना करना है इस बी के साथ तो प्लस में हो जाएगा टू ए बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या जुड़ सकता है उसे देखिए, ए क्यू बी क्यू अलग पद हैं, अब ए स्क्वायर बी का पद को देखिए ए स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी है और यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, ये दोनों जुड़ के देखिए यहाँ टू है यहाँ एक है, यानी कि इसे पहले लिख देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू लिख देंगे, फिर इस पद को जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस तीन ए स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक और यहाँ दो है, फिर देखिए ए बी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ एक है यहाँ दो है, यानी कि तीन ए बी स्क्वायर हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले को यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से तीन कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर।
या तो आप इन दोनों ए बी और ए बी क्यू भी कॉमन लिख सकते हैं इस प्रकार से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और यहाँ सिर्फ ए बचेगा और यहाँ बी बचेगा, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले का, ए प्लस बी का होल की बराबर। तो हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी का होल की बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो टोटल हम लोग 8 अलग अलग फॉर्मूले को सिद्ध करके देख चुके हैं, आने की सभी फॉर्मूले कैसे बनते हैं हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर आपको ये